Welcome back to my channel Nivida Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss difference between culpable homicide and murder. ये बहुत सारे लोगों का question रहता है कि कैसे culpable homicide and murder के बीच में differentiation किया जाए. तो आज हम लोग discussion करेंगे कि कैसे हम लोग को culpable homicide and murder के बीच में differentiate करना है. एंड इसे आप ध्यान से देखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने 299 एंड 300 को डीपली डिस्कशन करा चुकी हूँ. तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में डिफ्रेंसिएशन को. तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नोट आउट करी हूँ, तो इसे आप समझेंगे. तो इतना अगर मैं मेहनत करती हूँ तो कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि कम से कम मेरे वीडियो को लाइक करें एंड एप्रिसिएशन के लिए कमेंट करें कि हाँ मैम आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है. तो इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगी. तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ. टॉपिक है हमारा कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 क्या कहता है. यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने नोट आउट की हूँ और सेक्शन 300 मर्डर के अंतर्गत मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर नोट आउट की हूँ. तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड नॉलेज. यहाँ पर दोनों जगह ये चीज़ सेम है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. एक जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा डीपली नॉलेज करते हैं. यहाँ पर बात करता है इंटेंशन टू कॉज डेथ. जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर जो है, तो डिफ्रेंसिएशन की बात सबसे पहले की गई थी आर वर्सेस गोविंदा के केस में. 1876 का केस था. उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को धक्का दे दिया और धक्का देकर क्या किया कि उसको ज़मीन पर नीचे पटक दिया, और पटकने के बाद क्या किया कि उसने ऐसा मुक्का बनाया और अपनी वाइफ के चेहरे पर 2 मुक्का प्रहार किया. अब कोई भी व्यक्ति को अगर मुक्के से 2 बार प्रहार किया जाए तो वह व्यक्ति जो है मरेगा तो नहीं, अफकोर्स उसे इंजरी होगी लेकिन मरेगा नहीं. तो यहाँ पर उसके पति ने उसके साथ में क्या किया कि 2 मुक्के से प्रहार किया, जिसके बाद उस महिला जो है उसके सर से जो है ब्लड निकलने लगता है और वह महिला जो है कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. तो क्या ये कल्पेबल होमिसाइड होगा या फिर मर्डर होगा. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्या उसके पति का इंटेंशन था क्या कि उसको मृत्युकारित करना. क्या उसके पति को नॉलेज थी क्या कि मैं ऐसे मुक्के से अगर उसको मार रहा हूँ तो वो महिला जो है मरेगी ही मरेगी, मीन्स कि उसकी पत्नी जो है मरेगी ही मरेगी. यहाँ पर क्या था, उसको मारा लेकिन उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था, नॉलेज नहीं था कि वो महिला जो है उसकी वाइफ जो है मर जाएगी. तो ये आपका जो आर वर्सेस गोविंदा के केस के अंतर्गत वो जो पुरुष था उसको क्या हुआ था कि उस पुरुष को कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी माना गया, क्योंकि उसका इंटेंशन और उसका नॉलेज ऐसा नहीं था. या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर 2 मुक्का से प्रहार किया जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है 2 मुक्का के प्रहार से मरेगा नहीं. तो मीन्स उसकी जो उपहति थी, उसका जो हार्ट था, इतना भी भयानक नहीं था कि कोई व्यक्ति मर जाए तो अफकोर्स ये जो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ये केस जो है चला जाएगा. तो अब हम लोग चलते हैं इंटेंशन टू कॉज डेथ. फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आशय आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है मर जाए. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि आशय से तो आपने किया, जैसे कि आपने किसी को डंडा से प्रहार किया, आपका आशय है कि वो आपका आशय क्या है, आप उस व्यक्ति को मारना चाहते हैं. लेकिन क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है 100% श्योरली नहीं है कि वह व्यक्ति मरेगा ही मरेगा. यहाँ पर क्या चीज़ बात कही गई, इंटेंशन टू कॉज डेथ है बट 100% श्योर नहीं है कि वह व्यक्ति जो है मरेगा ही मरेगा. लेकिन मर्डर के अंतर्गत इंटेंशन ऐसा है आपका कि वह व्यक्ति मरेगा ही मरेगा. फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि कोई व्यक्ति को आप क्या करते हो कि किसी रूम में ले जाकर उसको लॉक कर देते हैं और बाहर से एक माचिस की तिल्ली लगा देते हैं ताकि वो जो रूम है वो क्या हो जाए कि बूम करके जल जाए। तो और आपने क्या किया, बाहर से ताला लॉक कर दिया कि कोई व्यक्ति जाके उसको बचा रह सके। तो आपका इंटेंशन कैसा है, आपका इंटेंशन यहाँ दिख रहा है कि आप सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु कारित करना चाहते हैं, मीन्स की डेथ देना चाहते हैं। ओके, आप जो है मृत्यु कारित करना चाहते हैं 100% यहाँ पर श्योरली है कि आप जो है आपका इंटेंशन यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी को मृत्यु कारित करना चाहते हैं। यहाँ पर इंटेंशन नहीं दिख रहा है 100%, यहाँ पर इंटेंशन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ आपको डीपली समझने की जरूरत है। बहुत सारे वीडियोस में बहुत घुमा फिरा कर दिया है लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही इजिली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है कि बॉडली इंजरी मृत्यु कारित करना संभाव्य, मीन्स की यहाँ पर संभाव्य बोला गया है कि मीन्स की संभावित है कि आप जो है ऐसे इंजरी दे रहे हो कि मीन्स की संभाव है, मीन्स की वह व्यक्ति जो है मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप किसी चीज से प्रहार करते हो तो वो व्यक्ति हो सकता है कि मर सकता है या मर भी नहीं सकता है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि बॉडली इंजरी, यहाँ पर बात कही गई ऐसी उपहति जिससे व्यक्ति जो है मरेगा ही मरेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति के पेट में ऑपरेशन हुआ है और आप क्या करते हो, उसमें टाका लगा हुआ है, बहुत सारे टाके जो है लगे हुए हैं और आप क्या करते हो कि उसको जो है जोर से 3-4 मुक्का मारते हैं और क्या करते हैं उसका जो पेट जो है फट जाता है। यहाँ पर आपकी जो आपका जो इंजरी आपने ऐसी दे दी कि वह व्यक्ति जो है मरेगा ही मरेगा। तो ये आपका इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस है कि यहाँ पर 100% चांस नहीं है लेकिन 100% आपने ऐसी इंजरी दी जिससे व्यक्ति जो है मरेगा ही मरेगा। यहाँ पर वही बात, ये जो थर्ड पॉइंट है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू सफिशियंट इंजरी टू कोर्स कॉज डेथ, मीन्स कि यहाँ बोला है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में कोई व्यक्ति को आपने ऐसी सफिशियंट इंजरी दे दी कि जिससे व्यक्ति जो है मरेगा ही मरेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मैंने पिछले आपको एग्जाम्पल दी थी कि कोई व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन में 3-4 मुक्का आपने दे दिए, जोर से दे दिए। तो यहाँ आपने क्या किया कि ऐसी सफिशियंट इंजरी दे दी कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हो सकता है कि वह व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, हॉस्पिटलाइज होके वह व्यक्ति जो है 2-4 दिन के बाद जो है दम तोड़ दे। तो यहाँ पर आपने ऐसी सफिशियंट इंजरी दे दी कि वह व्यक्ति जो है मरेगा ही मरेगा, तो ये आपका मर्डर के अंतर्गत आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड की जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी नॉलेज की बात कही गई है एंड सेक्शन 300 के अंतर्गत जो फोर्थ पॉइंट है नॉलेज की बात कही गई है। यहाँ पर नॉलेज, ज्ञान जो है यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि मीन्स की संभावित हो कि वह व्यक्ति मरेगा नहीं तो नहीं भी मर सकता है। यहाँ पर संभावित की बात कही गई है, मीन्स की 100% यहाँ पर चांस नहीं है, यहाँ पर 100% चांस नहीं है कि व्यक्ति जो है मरेगा या नहीं मरेगा, 100% चांस नहीं है। और यहाँ पर नॉलेज इमिनेंटली डेंजरस, यहाँ पर आपका नॉलेज जो है इतना आसन्न संकट है कि वह व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। ज्ञान इतना आसन्न संकट है कि वह व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो कि भरी हुई भीड़ में दन 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 आपने गोली चला दिए, तो ऑफकोर्स 2-4 व्यक्ति जो है टपकेंगे ही टपकेंगे, मरेंगे ही मरेंगे। तो यहाँ पर आपका ज्ञान जो है इतना आसन्न संकट था कि मृत्यु हो ही जाएगी। तो यहाँ पर नॉलेज इमिनेंटली डेंजरस की बात कही गई है, आपका जो आपने जो कार्य किया है इतना डेंजरस है कि कोई भी व्यक्ति का यहाँ पर मृत्यु होनी संभावित है। यहाँ पर 100% चांस नहीं है लेकिन हर चीज में यहाँ पर 100% की बात कही गई है, तो ये आपका मर्डर हो जाता है। यहाँ पर 100% नहीं होगा तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आई थिंक अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, इसे मिटा देती हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ डायग्राम के माध्यम से। ए ने बी को मारा, ए ने क्या किया, बी को मारा, और बी क्या करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ए ने बी को मारा जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वह कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है? तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही डीपली आपको समझाना चाहती हूँ कि ए व्यक्ति से पूछा जाएगा जो 300 का जो मर्डर का एक्सेप्शन है उससे उसको पूछा जाएगा, ए व्यक्ति से पूछा जाएगा कि क्या तुम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से बी की मृत्यु की थी? वो बोलता है नहीं, तो ये आपका मर्डर के अंतर्गत चला जाएगा। अब यहाँ पर
ए व्यक्ति से पूछा जाता है क्या तुम प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत बी की मृत्यु किया था, नहीं तो मर्डर के अंतर्गत चला जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है एक्सेप्शन के अंतर्गत, क्या तुम पब्लिक सर्वेंट थे इसलिए तुमने उसको मारा, बी को मारा, तो उसने कहता है कि नहीं। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है सडन फाइट, ए से पूछा जाता है कि क्या तुमने आकस्मिक लड़ाई में, कि तुम लोग दोनों जो है आपस में झगड़ रहे थे, झगड़ने के कारण आकस्मिक लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से तुमने बी की मृत्यु कारित की। ए कहता है हाँ। यहाँ पर ए का हाँ कहना मीन्स कि यह चीज जो है कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत चला जाएगा। एक्सेप्शन के अंतर्गत कोई भी पॉइंट के अंतर्गत वह व्यक्ति जो है मृत्यु कारित करता है तो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत चला जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि when कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, की मीन्स जो है यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक्सेप्शंस के अंतर्गत कोई भी कार्य करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाता है, ना कि मर्डर में जाता है। ओके, यहाँ पर ये चीज बात जो है पूछी जाएगी उस व्यक्ति से कि क्या तुमने इस कार्य के अंतर्गत तुमने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, न कि मर्डर के अंतर्गत जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो है पांचों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है तो यहाँ पर आपका मर्डर के अंतर्गत चला जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? आई थिंक आपको 299 एंड 300 के बीच में आपको डिफ्रेंसिएशन पता चल गया होगा, डिफरेंसेस पता चल गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी पनिशमेंट की ओर चलते हैं। कल्पेबल होमिसाइड पनिशमेंट जो है 304 के अंतर्गत बोला जाता है। 304 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट के बारे में बात कही गई है। इसके अंतर्गत भाग तीन मीन्स की सॉरी भाग वन पैरा वन एंड पैरा टू की बात करता है। पैरा वन के अंतर्गत जो है लो ग्रेड कल्पेबल होमिसाइड पनिशमेंट है, जिसमें क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी की मृत्यु कारित करता है तो उसमें लो ग्रेड पनिशमेंट की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन देखा जाता है, किसी व्यक्ति ने इंटेंशन के साथ किसी की मृत्यु की है तो भाग वन के अंतर्गत उसे सजा मिलेगा। एंड भाग टू के अंतर्गत हाई ग्रेड कल्पेबल होमिसाइड पनिशमेंट की बात कही गई है, मीन्स की कोई व्यक्ति जो है नॉलेज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो 304 का भाग टू के अंतर्गत हाई ग्रेड कल्पेबल होमिसाइड पनिशमेंट के अंतर्गत आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा। हो सकता है लो ग्रेड में आपको 7 ईयर की सजा दी जा सकती है और हाई ग्रेड में 10 ईयर की सजा दी जा सकती है, एंड लो ग्रेड के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है, या फिर आपका हाई ग्रेड कल्पेबल होमिसाइड पनिशमेंट के अंतर्गत आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है। यहाँ पर आपने क्लियर किया कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट। एंड अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अगर आपने क्या किया कि हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए आपने प्रयास किया है तो आपको 308 के अंतर्गत आपको यहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। ये चीज आप लोग सब नोट कर लेंगे क्योंकि मैंने इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत की हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं मर्डर की पनिशमेंट की तरफ। मर्डर का पनिशमेंट जो है 300 के अंतर्गत मर्डर की पनिशमेंट की बात कही गई है। 302 कहीं भी आप किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको सुनने में आता होगा कि आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत इसे सजा सुनाई जाती है। तो 302 मीन्स होता है कि मर्डर के लिए यहाँ पर पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है। एंड अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कहेंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर के अंतर्गत 307 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट की बात कही गई है। जैसे कि एक व्यक्ति क्या होती है कि एक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए जाता है और क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है पहले से ही मरा हुआ रहता है और व्यक्ति जो है क्या करता है उसको मरा हुआ व्यक्ति को वो क्या करता है दो तीन चप्पू मारता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने मर्डर नहीं किया बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को आपने दोबारा तिबारा जाके आपके मारने की कोशिश की है, प्रयास किया है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर के अंतर्गत आपको 307 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन 301 क्या कहता है। सेक्शन 301 के अंतर्गत केस जो है शंकर लाल का केस है। यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है किसी व्यक्ति को मारने गए थे और आप जाके किसी व्यक्ति को मारने गए थे और उस व्यक्ति के बदले में दूसरे व्यक्ति को जाके मार के आ जाते हैं तो आपको 300 के अंतर्गत यहाँ पर 301 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट की प्रावधान की गई है। अब यहाँ पर सेक्शन जो है 303 क्या कहता है। सेक्शन 303 जो है बात करता है आपका, यहाँ पर बात करता है 303 के अंतर्गत क्या बात करता है कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति की हत्या करेगा
आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति की अगर हत्या करेगा तो वह व्यक्ति जो है मृत्यु से दंडित किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 304A के अंतर्गत क्या चीज बात कही गई है। जैसे कि आप जो है किसी व्यक्ति को नेग्लिजेंस के माध्यम से, उपेक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, उपेक्षा के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना, यहाँ पर 300A के अंतर्गत बात कही गई है। जैसे कि यहाँ पर एक केस लिखी हूँ मैं, डी सौजा 1920-42 इलाहाबाद के केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है कंपाउंडर था और उसे मरीज को क्या देनी थी, दूसरी दवाई देनी थी, और उसने उपेक्षा के माध्यम से मींस नेग्लिजेंस से उसने क्या किया कि उसने जो है ऐसी दवाई दे दी जिससे क्या होता है कि 7-8 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड किया, क्या वो मर्डर किया? आप देख रहे होंगे कि उसको इंटेंशन नहीं था, उसका आशय नहीं था कि मैं ऐसा दवाई दूं जिससे कोई भी जो मरीज है उसकी मृत्यु हो जाएगी, ना तो उसे नॉलेज था कि मैंने ऐसा दवाई दिया है, ऐसा मेडिसिन दिया है जिससे कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर नहीं आता है, इंटेंशन भी नहीं आता है और नॉलेज भी नहीं आता है। तो ना तो कल्पेबल होमिसाइड होगा और ना ही मर्डर होगा। उसने क्या होगा कि उपेक्षा द्वारा, यहाँ पर किसी ज्यूरिस्ट ने कहा है कि उपेक्षा द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, नेग्लिजेंस द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना न तो मर्डर होगा और न ही कल्पेबल होमिसाइड होगा। यहाँ पर आपको 300A के अंतर्गत आपको पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। ओके, तो आपने सारे 299 एंड 300 के डिफरेंसेस को आपने समझ लिया है, एंड जहाँ भी प्रॉब्लम होती है सॉरी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम एप्रिसिएशन आपकी मिलनी चाहिए। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कौन सा केस था जिसके माध्यम से क्या हुआ था कि 299 एंड 300 के बीच में डिफरेंसेस किए गए थे। ओके, कौन सा ऐसा केस था इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।